नोबिता, तुम अपने टेस्ट में फिर जीरो लेकर आए हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम आगे क्या करोगे। जब तुम्हारे डैड और मैं बच्चे थे तो हम कभी टेस्ट में जीरो नंबर नहीं लेकर आते थे। क्या आपके कहने का क्या मतलब है? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। हाँ? शायद मैं आपको कहीं पढ़ा मिला और आप मुझे घर लेकर आ गई। हाँ, वैसे ऐसा हो सकता है। हाँ, वो जरूर मुझे कहीं और से लेकर आए हैं। नहीं नोबिता, ऐसी बात नहीं है। शायद मॉम ने तुम्हें गुस्से में ऐसा कह दिया होगा। तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानो। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो जरूर मुझे कहीं और से उठाकर लेकर आए हैं। अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। क्या? अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता। ऐसी अजीब बातें बिल्कुल भी मत करो, जरा होश में आ जाओ। अब तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। पता नहीं इसका क्या होगा। हाँ? अब मैं और सहन नहीं कर सकता। अब मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जाऊंगा। आखिर हुआ क्या? अरे नोबिता, अब तुम्हें क्या बताऊं? हाँ? वो दरअसल, हाँ? जब भी कुछ गलत होता है वो मुझे मारने लगती हैं। जियान, अपनी फैमिली के साथ रहना एक बहुत ही मुश्किल का काम है। ठीक कहा नोबिता। जियान सुनो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ, हम दोनों इस दुनिया में सबसे दुखी बच्चे हैं। हाँ? हाँ? सुनियो, अरे तुम भी अपना घर छोड़ा है क्या? हाँ? सुनियो, ये लो और इसे जल्दी से खा लो बेटा। मुझे ये नहीं खाना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं, उन्होंने तो वहाँ पर एक डॉक्टर भी बुला लिया। वो शायद मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं उस घर में अब वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम अपनी फैमिलीज को पसंद नहीं करते तो उन्हें आपस में बदल लो। फैमिली स्वैपिंग मशीन। चलो तुम्हारे लिए परफेक्ट फैमिली ढूंढते हैं। चलो तुम लोग तैयार हो, जैसे ही मैं इशारा करूँ उस बटन को दबा देना। क्या, इस वाले बटन को? बिल्कुल सही। और तुम जिस कलर पर रुकोगे वही तुम्हारी फैमिली होगी। लेकिन एक शर्त है, तुम घर जाने की जिद बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है? हाँ? मैं सबसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ बिल्कुल, हम जिद नहीं करेंगे। हमें घर वापस नहीं जाना, समझे? मेरे घर से खराब और कोई जगह नहीं है, मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो फिर ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। रेडी? स्टेडी गो। ठीक है। मुझे तो लगता है इन्हें जल्द ही अपनी फैमिलीज की याद जरूर आने लगेगी। सुनो जियान, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो नोबिता के घर रहने में मजा ही क्या आएगा। चलो डोरेमोन, अब मुझे जल्दी से अपना कोई गैजेट दिखाओ। हटो, मैं इतनी आसानी से अपने गैजेट किसी को नहीं दिखाता। पर क्यों? डोरेमोन, तुमसे अच्छी तो नोबिता की मॉम ही है। वो मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरा भी फोर्स नहीं करती। अभी तो तुम बस देखते जाओ जियान, आगे आगे होता क्या है। क्या कहा? अरे तुम कहना क्या चाह रहे थे? सुनियो, मेरी बात सुनो जरा।
हाँ? आप आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये मेरी ही तो शॉप है, तुम जल्दी से कपड़े बदलो और फिर खाना खाना है तो खा लो। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तुम यहीं खड़े हुए हो? लेकिन सुनिए, मेरी मॉम ही हमेशा मुझे कपड़े पहनाया करती हैं। मॉम पहनाती हैं? मैं तुम्हारे कपड़े नहीं बदलवाने वाली, तुम जाओ और चुपचाप जाकर अपने कपड़े बदलो। वैसे भी मुझे दिन में बहुत सारे जरूरी काम होते हैं, समझे ना? ये तो सुनने में काफी अच्छा है। अरे छोड़ो ये सब, मुझे तो खाना खाना है और खेलना है। ये वाह, मैं हमेशा से एक रेडियो कंट्रोल कार चाहता था। सुनियो के घर में रहने का मतलब है कि उसके सारे खिलौने भी मेरे हैं। वाह मजा आ गया, अब मैं खूब खेलूंगा। हाँ, इससे बेहतर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ? नोबिता, क्या हुआ बताइए। हाँ, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों हैं? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ?